अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सभी दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई आज कई दिन से, चार पाँच दिन से पूरी वीडियो वायरल हो रही है सत्येंद्र मलिक मोखरा, और सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को ये पता चल रहा है कि भाई कुश्ती के दौरान पहलवान जी के साथ हाथापाई करी गई, थप्पड़ मारा गया, और वो जो भी झगड़ा है वो जग जाहिर हो रहा है। तो उसके प्रति पहलवान जी को मतलब भाई आजीवन प्रतिबंध लगा दिया, भाई कभी भी पहलवान जी कुश्ती नहीं लड़ सकता, कोई भी सरकारी इवेंट नहीं लड़ सकता। तो उसके विरोध में या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए या अपील करने के लिए आज हमारे गांव मोखरा में पंचायत का आयोजन कराया गया, जिसमें हमारा जो मोखरा गांव है, मोखरा गांव के जो भाई सरपंच हैं या फिर बड़े बुज़ुर्ग हैं या पंचायती हैं, वो तो सारे आए ही आए। हमारे गांव के जितने इंटरनेशनल पहलवान हैं वो आए हैं, कुश्ती खिलाड़ी हैं, कबड्डी खिलाड़ी हैं, हमारे गवांडा से भी आए हैं, और लगभग पूरे हरियाणा से आए हैं। और इसी पंचायत में हमारे साथ जो जुड़े हैं यूपी से आए हैं, बहुत बड़ी बात ये है, ये उत्तर प्रदेश से आए हैं, संयुक्त खेल मोर्चा के सदस्य हैं सारे के सारे। और हमारे साथ डिल्लू पहलवान जी मोखरा और संजय पहलवान जी मोखरा भी जुड़े हैं, बाबा पहलवान, तो सारे के सारे आज अपने विचार, जो ये प्रकरण हुआ है, जो ये थप्पड़ कांड हुआ है, इस पर विचार देंगे। तो सबसे पहले तो पहलवान जी दूरदार हैं, तो इनका एक बना है, यूपी वाले हैं और उत्तर प्रदेश से आए हैं, तो स्वागत है जी मोखरा गांव में। भैया हम लोग संयुक्त खेल मोर्चे के फाउंडर सदस्य हैं, और हम सारे देश के खिलाड़ियों को इकट्ठा करके एक मंच पर लाने का प्रयास है, ताकि खिलाड़ियों के साथ कोई भी कहीं भी भेदभाव ना किया जा सके, अन्याय ना हो सके। सत्येंद्र के साथ जो हुआ ऐसा कभी भी किसी के साथ ना हो, और इसके साथ न्याय होना चाहिए, और इस बात को हम सब लोग जोरदार तरीके से उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। जी सर, गाँव की जो पंचायत हुई इससे हम बहुत ही खुश हुए, और यहाँ पर एकता का जो संगठन देखा वो बहुत विशेष लाभकारी है। अधिक से अधिक आदमी संगठन की एक मजबूत टीम बना के, जो कुश्ती संघ के पदाधिकारी हैं बीरज भूषण शरण जी, उनसे मिले और सत्येंद्र के प्रति जो अन्याय हुआ उस पहले तो उस प्रतिबंध को हटवाएं, और फिर इस लड़के को कॉमनवेल्थ खेलने का मौका दिया जाए, ताकि एक भारत का भविष्य जो है उज्जवल हो, और खेल और कुश्ती पर जो ये धब्बा लगा ये भी हट जाए, और ये सम्मान के लिए आगे भविष्य के लिए ऐसा ना हो। धन्यवाद सर। गलती इसमें जो है सबसे पहले गुरु से हुई, कोच साहब से हुई, फिर तो क्रिया प्रतिक्रिया तो बनती है, लेकिन हम कहते हैं कि इस उस पर राजनीति ना करके और विचार विमर्श करके और इस पर फैसला जल्दी करा जाए, सत्येंद्र को जो है मौका दिया जाए आगे खेलने का, दोबारा ट्रायल करा ले, जोन सा तगड़ा होगा वो जीतेगा। करियर खराब करने वाली तो बातें नहीं, इसको तो जल्दी से जल्दी हटा के और वापस, एक बालक का जो है करियर खराब होता है उस पर आजीवन प्रतिबंध लगता है, तो वो कितनी मेहनत करके अपने पसीना निकालता है, सुबह 4 बजे उठता है, और उसकी मेहनत खराब करने का काम जो है राजनीति होती है ना खेलों में, तो ये बहुत बुरी बात है, इस पर जल्दी फैसला करके दोबारा ट्रायल कराए। जी बिल्कुल, एक तो स्पेशल जो आप मोखरा गांव में पंचायत में आए उपस्थित हुए, पहले भी आप लोगों ने सत्येंद्र पहलवान के पक्ष में वीडियो चलाई, तो संयुक्त खेल मोर्चा संघ के सदस्य जितने भी आए हैं उनका स्वागत है और धन्यवाद है, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ जुड़े हैं हमारे गांव की आनबान श्यान, आओ पहलवान जी, संजय पहलवान मोखरा, जो पिछले क्या अपने पूरे कैरियर में, अपनी पूरी ज़िंदगी में इन्होंने कुश्ती को दी है, पहले भिवानी में प्रैक्टिस कराया करते, उससे पहले मोखरा गांव में कराया करते, फिर गांव में कराई, अब अपना अखाड़ा शिव शंकर अखाड़ा के नाम से ही इन्होंने मदीना में, हमारे गांव में समझ लो मोखरा और मदीना एक ही गांव है, तो वहां पे इन्होंने अखाड़ा चला रखा है। तो पहलवान जी राम राम। राम राम जी, राम राम। अभी मनू में देखने वाले सभी पहलवानों को राम राम। पहलवान जी, देखा था आपका भाषण, मैंने सुना आपने जो पंचायत में आप बोले, काफ़ी गुस्से में थे, क्या वजह है, मतलब इतना गुस्सा ये था, एक किसी भी पहलवान ये था हमारा है चलो, और पहलवान कोई भी है वो सभी हमारा है, जिसके साथ में भी अन्याय है ना, हम तो उसके बिल्कुल मतलब विरोध में, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, मतलब गलत तो गलत ही है, एक बच्चे को मतलब भविष्य खराब करना, एक पहलवान के साथ में खिलवाड़ करना, ये बहुत ही मतलब, जो ऊपर ये बैठी है, मैं तो देखने वाले सभी टीवी सभी को बताता हूँ, जो ऊपर जो चोर मंडली बैठी है ना, ये बहुत ही गलत है, इसको जूरी बोल रहे हैं, हाँ ये जूरी है ना, ये बहुत गलत है, और इनको भी मतलब
पूरे देश के पहलवाना ने मतलब वो लेना चाहिए। और सबसे बढ़िया मतलब निर्णय ये कि भाई अच्छे रेफरी, अच्छे जूरी, अच्छे पहलवान वो साइड में है। और जिन्होंने कहने का मतलब ये है कि भाई सारे एक जैसे नहीं है, पांचों अंगड़ी एक सी नहीं है, पांचों अंगड़ी एक सी नहीं होती, लेकिन मतलब जो कुछ कुछ कीटाणु है ना, जो कुछ कीटाणु है वो गलत सर, उनको मतलब हटाना चाहिए। आगे वही है, हाँ आगे वही है। तो जहाँ भी झोल करना होता है उनको हटा देते हैं, उनको हटा देते हैं। हमारा तो के नाम है पहलवाना का काम, और ये हमारे साथ में ये हो रहा है तो ये बहुत ही गलत हो रहा है, किसी के साथ में भी। और हमारे गाँव का जूरी में मतलब पहलवान है, उसने ये खुद मतलब वो सोचना चाहिए भाई तू मतलब, मैंने उसको खुद फोन करके ये कहा भाई मतलब गलत मत होने दे, किसी हमारा है, वो भी लड़का हमारा है, उसके साथ में भी गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन वो बोला कि ये मतलब पॉइंट एक बार तो उसने ये कहा ये पॉइंट एक ही था, और बाद में उसने बोला कि दो पॉइंट मैंने बोला था, मैंने डिसीजन दे दिया, और उस का डिसीजन के खिलाफ मतलब ये साजिश रची गई कि उसने डिसीजन दिया सत्यदेव ने और एक वीरेंद्र है मलिक, उन्होंने डिसीजन दिया पहले, जो मेन कोच थे उसके, मेन कोच थे उन्होंने दिया है। और रिव्यू एक बार देखा जाता है ना कि बार बार देखा जाता है, रिव्यू में देख लिया और फिर भी मतलब हमारा तो ये तो साजिश थी उनका भाई, मतलब जो लड़का जिताया उनका ज़्यादा पलटा भारी होगा, ये गलत है, अन्याय नहीं होना चाहिए। मतलब हमारे इस स्तंदर को न्याय मिलना चाहिए और इसका जल्दी ही इसका बैन तोड़े और इसकी ट्रायल ली जाए। जी आपने कुश्ती लड़ी भी और कुश्ती आपने सिखाई भी और आपने मान लो कुश्ती करवाई भी, अपने लेवल पर भी अखाड़ा में आपने टूर्नामेंट खूब बड़े बड़े टूर्नामेंट करवाए हैं, अभी पीछे आपने कई लाख रुपए का एक टूर्नामेंट करवाया था। तो क्या जैसे भाई एक कोच किसी इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर को, इंटरनेशनल को ही थप्पड़ मारा है जो कि 20 प्लस हिंद केसरी है, हरियाणा केसरी बना है, तो उसको थप्पड़ मारना क्या ऐसा पहले कभी सुना था या देखा था? ये कभी नहीं सुना। और कोच का तो हक बढ़ता ही नहीं पहलवान को थप्पड़ मारना, गुरु मार सकता, गुरु कोच गुरु नहीं हो सकता, गुरु वो होता है जो लंगोटी बांध के शिकावे है, कोच कभी गुरु नहीं होता, बने बनाए के उठा के ले जाए। इन की जितने भी ये जिस फेडरेशन में इन्हें कितने पहलवान तैयार करे हैं, पहलवान तैयार करे हमारा गुरु जी है माड़िया पहलवान, कम से कम भी 500 पहलवान तैयार करे हैं भाई, गुरु थे वो, हनुमान था, चंदगी राम था भाई, कैप्टन चांदरूप था, ये गुरु थे। कोच गुरु अपनी तनख्वाह ले है और हमारे बने बनाए पहलवाना गौड़े ऊपर जाके नाश कर दे हैं, तो उनको तो अधिकार है नहीं थप्पड़ मारने का, गुरु का अधिकार है। गुरु अगर बच्चा गलत खेल रहा है वो उसको अलग तले आकर धमका सकता है, कोच का कोई अधिकार नहीं, उसके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने मतलब ये पहलवान का इतने बड़े पहलवान को जो देश का मतलब कई बार भारत केसरी और इंटरनेशनल रहा है उसके साथ तो मतलब सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो पहलवान जी आज पंचायत चल रही है और हम सारे पंचायत के सदस्य हैं, हम यहाँ इकट्ठे भी हो रहे थे, तो क्या अपील करना चाहोगे ब्रजभूषण जी से जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं या खेल मंत्री से, क्या कहना चाहोगे? हम तो खेल मंत्री से और ब्रजभूषण शरण से मैं खुद 3-4 बार मिला हूं, लेकिन उनको ये मतलब फैसला दूध का और दूध पानी छानना चाहिए कि भाई कहां कमी है। उनके पास भी मतलब ऐसे ऐसे वो जाते हैं और वो करते भी हैं, अच्छे आदमी हैं, लेकिन मतलब उनने ये है ना ये जो अब इसमें उन्होंने थोड़ा हा मतलब सोच के ठंडे दिमाग से ये सोचना चाहिए कि भाई मतलब गलत है, भगवान को तो मतलब भी नाम खराब होगा, कितना बड़ा नाम, मतलब भगवान को तो जी देना है, मतलब अन्याय कर रहे हैं और इतने देश के पहलवानों सब ने इनके साथ लगना चाहिए भाई गलत होया है। हर एक पहलवान ने सुनी है ना उसने ये सोचा भाई गलत होया है, और ये गलत मतलब कितने दिन तक और चलेगा, अगर कोई आवाज नहीं उठा होगा तो कितने दिन चलेगा, कल किसी और के साथ होगा, कल और किसी के साथ में होगा, परसों और किसी के साथ में होगा। और मैं तो खेल मंत्री से और इनसे ब्रजभूषण सर से ये भी कहता हूँ कि इन चोर मंडली से बचो, मेरे को तो कई साल से पता है ये चोर मंडली है, ये चोर मंडली से बचो। कृष्ण आ जा भाई, पहलवान जी थप्पड़ कांड आज पूरे वर्ल्ड में, पहलवान जी पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, ये नहीं है कि हम मोखरा खड़े हैं हमारे गांव का पहलवान है, ये आड़े आड़े चल रहा है, तो पूरे वर्ल्ड में ये प्रकरण ये वीडियो फैल रही है सोशल मीडिया के माध्यम से कम भी 2 लाख आदमियों ने इस वीडियो को और सतेंद्र पहलवान की आवाज़ को उठाया और शेयर कराया है। तो बिलू पहलवान जी आपने भी कुश्तियाँ लड़ी हैं, कुश्तियाँ देखी हैं, आपके बच्चे भी नेशनल लेवल के हो रहे हैं और मेडल भी जीत के लेके आने लग रहे हैं, तो ये मतलब क्या लग रहा है कि बच्चों का भविष्य आज आपने कति
खतरे में लग रहा होगा? बिल्कुल खतरे में लग रहा है, अगर इसके ऊपर कदम नहीं उठाएगा तो आगे आने वाला भविष्य बच्चा कति खराब हो जाएगा। रात को नींद आई जब ये वीडियो देखी तो सोचा भाई मैं भी तो अपने बच्चों को रोज भेजता हूँ, अपनी छोटी बेटी को भी भेजता हूँ, लड़के को भी भेजता हूँ, कल को उनके साथ होगा। रात को नींद आई? रात को नींद कैसे आएगी, ऐसे गलत होता रहा था, कितनी मेहनत करा ले, काटने वाले आगे जाए काट देंगे, क्या फायदा होगा, दिन रात ये करेगा, इसके साथ तो बहुत ही गलत हो रहा है। अगर इसके साथ कदम नहीं उठाएगा ना तो आने वाला भविष्य तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। संजय पलवान जी, ये तो नुकरना पड़ेगा, अगर बच्चे को गेम कराना है तो साथ के साथ एक मोटी अप्रोच और चोरा खातिर एक डब्बा पानी का रखना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल सच्चाई है, चोरों के लिए डब्बा पानी का और नहीं तो अच्छा मतलब वो होना चाहिए इनका इलाज जी। यही है हमारी तो कि फेडरेशन इन चोरा द बच्चे और अच्छे आदमी फेडरेशन में, मतलब कोच भी अच्छे, कोच बहुत हैं, अच्छे पहलवान बहुत हैं जो मतलब वो इसके नज़दीक ही नहीं लगने देते ये जी। अरे पहलवान जी का कहने का मतलब ये है भाई कि भाई एक रेफरी बनना कोई बड़ी बात नहीं है, एक दो तीन साल के दो तीन मतलब भाई एक डेढ़ साल जाके और वो एक अपने डिग्री मिल जाती है, नाइस करो आप और आप रेफरी बन जाते हो, लेकिन इंटरनेशनल बनने के लिए जैसे सत्येंद्र मलिक ने अपना पूरा जीवन जैसे सोती संभाली थी लंगोटी में ही देखा अपने आप को और आज इस लेवल पर पहुंचा था, और करियर बर्बाद करने वाली बात है तो कहाँ उनका न्याय होगा, भगवान तो उन्हें भी देखा। और मैं तो ये कहता हूँ ये जितने भी फेडरेशन में मतलब कोच हैं, ऊपर कोच हैं, इनसे ये तो पूछ लो किसी को इन लंगोटी बांध के शका कर ऊपर तक ले गया हो कोई भी। अरे ये जो गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड दे रहे हैं ये भी गलत हैं, कोच का कि नहीं पड़ता गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड का, गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड गुरु होता है, मड़िया पहलवान है भाई, चाह कैप्टन चांद रूप है, गुरु हनुमान है, गुरु का होता गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड, उनको थोड़ी है मतलब कोच एक एक लाख रुपए डेढ़ लाख रुपए उसके किस लिए दे रही है फेडरेशन। ये तो तैयार खेती ने काटे हैं, ये तो तैयार ने अपने आप अपने उसमें घेर ले हैं, गेहूँ पक गया और अपना घर घेर लिए, बस यही है, और इनके पास कुछ नहीं है, ना ये किसी पहलवान को तैयार करते ना किसी खिलाड़ी को तैयार करते। और गांव में जाके देखो मतलब फेडरेशन ने भी और इन्हें भी देखना चाहिए गांव में मतलब कितने छोटे छोटे बच्चे मतलब तैयार कर रहे हैं, किकर उनके माँ बाप उनको कैसे तैयार करते हैं, कितनी मतलब खर्चा दे कितना वो करके तैयार करेंगे, इनकी जरा सी एक मिनट जरा सी एक मिनट में मतलब पूरा पहलवान का पूरा प्लेयर का करियर खराब कर दे। और ये आज ये मत सोचो कि ये पहली बार हुआ है, सत्येंद्र पहलवान के साथ तो इस तरह कई बार हो चुका है, और नीलू पहलवान मारने वाला पहली बार हुआ है, जो कोच ने थप्पड़ मारे है ना ये पहली बार ही हुआ है, पहली बार ही हुआ है। और ये मैं तो नुचा हूँ कि भाई ये जो हुआ है ना ये पहली बार और आखिरी बार ही होना चाहिए, क्यों पहलवान जी ये आगे नहीं होना चाहिए, आगे इस चीज़ की वारदात कुश्ती जगत मतलब ऐसी वारदात ऐसे कोच है ना उनको कोचों को निकालना चाहिए, ऐसे बदनाम होता कुश्ती। अच्छा एक छोटी सी मैं और बात पूछना चाहूँगा, मान लो जगबीर कोच ने दो थप्पड़ मार दिया, सत्येंद्र ने भी उसको थप्पड़ मारे, मैं जैसे उसने मारा तो पहलवान जी ने भी मारे, तो सत्येंद्र को क्या कहोगे? भाई देखो 6 मिनट की कुश्ती होती है, पूरे साल प्रैक्टिस करता है बच्चा और 6 मिनट में होश भूल जाता है, गुस्सा तो पहलवान को भी है, पूरे देश में नाम जितना जगबीर कोच का नाम नहीं है जितना मतलब पहलवान का नाम है, और आत्मरक्षा के लिए क्या करेगा, आत्मरक्षा के लिए उसने मार दिया भाई कोच को, चलो हम उसकी तरफ से गलती मानते हैं, सत्येंद्र की तरफ से भी, सत्येंद्र ने भी मतलब कहा भी मैंने भी मतलब हाथ उठा दिया, लेकिन मतलब कोच ने तो ये सोचनी थी कि इतना बड़ा पहलवान का ऊपर तो देश का मतलब भविष्य है, देश का ये धरोहर है, उसको ऊपर हाथ उठा क्या कर रहा है। अगर ये कुश्ती मान लो जीते जाता, जीत तो रहे आए है, और आपकी नज़र में जीता था इस देश का प्रतिनिधित्व दूसरे देश में करे, बिल्कुल हमारे गांव का प्रदेश का देश का नाम उधर गोल्ड आता, कितना इसका मतलब खराब कराया है उन्होंने, ये तो भाई आज जैसे पंचायत हुई है और पंचायत का निर्णय यही हुआ है कि भाई एक जूरी का है इन्हें, तो हमारी कोई जूरी नहीं है, हमारी एक कमेटी बनेगी गांव के घुमांड के पूरे हरियाणा के, उसमें हमने नाम लिए हैं और वो बंदे जागे वो सारे भाई इकट्ठे हो गए पहलवान जागे ब्रजभूषण जी से मिलेंगे जी से और खेल मंत्री से जी, हाँ सबके पास जाके मिलेंगे, धरना देंगे भाई, इसके साथ में मतलब गलत है, अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, तो न्याय की गुहार के लिए ये पंचायत थी। ये वो क्या कहा, एक तो हरा दिया एक थप्पड़ मार दिया, फिर वो बोल बोला कैसे रहेगा भाई, दो दो कारण हो गए,
हाँ भी पे आई तो अपने आप हो जाए जी, पहले दोहरा दिया और फिर ऊपर से थप्पड़ मार दिया और एक बार दोनों चीज उसमें ताकत भी और गुस्सा होना है था जब मारे उसने लाचारी में मारा है ना, वो क्या मारे था। सही बात कही है कृष्ण भाई ने, क्योंकि वो जो 6 मिनट की जो कुश्ती थी ना, वो उसके कैरियर की, उसके 20 साल के परिश्रम की मतलब कती ये दावा है आज ही सब कुछ होना है। आखिरी कुश्ती आखिरी कुश्ती थी, 20 साल का बिल्कुल कैरियर चौपट कर दिया एक छोटी ही मिस्टेक में, छोटी ही मिस्टेक करी है उसने। जब तक मतलब इतना ये हम आवाज़ नहीं, सभी पहलवान सभी अखाड़ा के संचालकों को भी मैं तो यही संदेश देना चाहूँ कि अपने अपने पहलवानों को शांति से मतलब उनको अच्छी वो दें और कोचों को भी बताएं और सभी इसका सहयोग करें। जी हम खत्म कर रहे हैं तो पहलवान जी, डिल्लू पहलवान जी और संजय पहलवान जी, आपका भी तय दिन से धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच जो इस सतेंद्र भाई के लिए आप साथ खड़े हो और पुरजोर से आपने वहाँ भी बताई पूरी अपने जो बातें मन में थी खुल के बोले और यहाँ भी बोले, तो थैंक यू पहलवान जी। धन्यवाद भाई सर, धन्यवाद पहलवान, धन्यवाद धन्यवाद।